शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान की हर तरफ चर्चा हो रही है। फिल्म का गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था। शाहरुख दीपिका के फैंस को उनकी केमिस्ट्री काफी अमेजिंग लगी, लेकिन कुछ धार्मिक संगठनों ने बेशर्म रंग गाने में दीपिका की केसरी रंग की बिकनी पर आपत्ति जताई। फिल्म का देश भर में विरोध किया जा रहा है। फिल्म पर चल रहे विवाद के बीच अब ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने शाहरुख खान को सपोर्ट किया। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर हो रहे विवाद के बीच ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने किंग खान और दीपिका पादुकोण को सपोर्ट किया। सबा आजाद ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पठान के बेशर्म रंग गाने से शाहरुख और दीपिका की तस्वीर शेयर की। उन्होंने स्टार्स की फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, पठान को सिनेमा हॉल में दो बार देखने जाऊंगी। सबा आजाद के शाहरुख खान को सपोर्ट करने पर किंग खान के फैंस काफी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि पठान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। मैरते की गर्लफ्रेंड ने पठान का सपोर्ट कर हिंदुओं से पंगा ले लिया। अब पठान का सपोर्ट करने के चलते सबा आजाद को ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड वॉच्ड योर बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन्स विक्रम वेधा 1 लाख टाइम्स एंड सेव्ड इट फ्रॉम बिकमिंग मेगा फ्लॉप। वही एक दूसरे यूजर ने लिखा, देन वॉच इट, नो वन केयर्स फॉर हर, द होल आइडेंटिटी ऑफ सबा आजाद इज दैट इज अ वुमन हुम एन बॉलीवुड एक्टर इज स्क्रूइंग, दैट्स इट, दैट्स हर होल अचीवमेंट। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, ऋतिक रोशन हैज ऑलवेज स्टेड आउट ऑफ दीज कॉन्ट्रोवर्सीज, आई एम श्योर ही हैज एन ओपिनियन बट ही हैज द क्लास एंड इंटेलिजेंस टू कीप हिज माउथ शट, अनलाइक दिस हार्लट सबा आजाद who is disrespecting his long-standing tradition of peace. Ritik needs to dump her for this. वही एक और यूजर ने लिखा, पठान मूवी देखने के लिए ग्रीन बिकिनी पहन के जाना। तो देखा आपने, पठान का सपोर्ट करना ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद को कितना भारी पड़ गया। लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया है। वही दूसरी तरफ बेशर्म रंग गाने पर जमकर विवाद भी हो रहा है। शाहरुख और दीपिका पर फिल्म के जरिए अश्लीलता फैलाने के आरोप लग रहे हैं। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि बेशर्म रंग गाने में भगवा रंग का अपमान किया गया है। कई लोग फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। शाहरुख खान पठान से 4 साल बाद थिएटर्स पर वापसी कर रहे हैं। फैंस उन्हें बिग स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी पठान 25 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि रिलीज के बाद शाहरुख और दीपिका की फिल्म पठान कंट्रोवर्सी के बीच बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।